हल्द्वानी में जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने बीते दिन करोड़ों रुपए की शराब को नष्ट किया। इसके पीछे शराब के सैंपल फेल होने को कारण बताया जा रहा है। बता दें कि 3 साल पहले एक शराब कारोबारी का लाइसेंस निरस्त किया गया था, जिसकी करोड़ों रुपए की अंग्रेजी शराब सरकारी गोदाम में पड़ी थी। शराब का सैंपल जाँच के लिए लैब में भेजा गया, जिसके बाद जाँच में सैंपल फेल पाया गया। सैंपल फेल होने के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई और जिसने जेसीबी के जरिए शराब को नष्ट कर दिया। पीने के लिए अनुपयुक्त शराब की जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपने सामने शराब को विनष्ट कराया है और ये शराब अनुमानित 4 से 5 करोड़ लागत की थी और इसका चूंकि प्रयोग नहीं किया जा सकता था तो जेसीबी के माध्यम से, रोलर के माध्यम से इसको अपने सामने विनष्ट कराया गया।